हाथरस कांड की, चूंकि आज हाईकोर्ट में सुनवाई है, 2 बजे ये सुनवाई होनी है। हाथरस का पीड़ित परिवार लखनऊ पहुंच गया है, हाईकोर्ट के बुलावे पर पीड़ित परिवार पहुंचा है। हाथरस के डीएम और एसपी को भी किया गया है तलब, एसडीएम और सीओ भी परिवार के साथ लखनऊ पहुंच गए हैं। तो ये अभी की बड़ी खबर है और इस खबर को समझने के लिए आप 5 अलग अलग तस्वीरें देखें। जब परिवार घर से निकला है, लगभग सुबह में 5:30 बजे के आसपास का वक्त था जब परिवार घर से निकला। हाईकोर्ट में हाथरस पर सुनवाई है, ठीक 45 मिनट के बाद ये हियरिंग शुरू होगी। योगी के अफसर भी मौजूद रहेंगे और हाथरस पर एक्शन में है सीबीआई। हालांकि सीबीआई के सामने कई मिसिंग लिंक ढूंढना भी बहुत जरूरी है कि हाथरस से पीएन शर्मा के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम इससे पहले कि रिपोर्टर के पास में जाएं, किन धाराओं में सीबीआई ने केस दर्ज किया है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें। आईपीसी की धारा 376D यानी कि गैंगरेप की धारा है, आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास, आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या, SC/ST एक्ट की धारा 3। एक बार फिर से रिकॉल करें कौन कौन सी धाराएं हैं सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है, किन आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। 376D यानी कि गैंगरेप, 307 हत्या का प्रयास, धारा 302 यानी कि मर्डर, और SC/ST एक्ट की धारा 3। इन 4 धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लेकिन सीबीआई का सीक्रेट प्लान क्या है, हाथरस केस में सीबीआई का सीक्रेट प्लान भी आप जान लें। सीबीआई कोर्ट से चारों आरोपियों की कस्टडी यकीनन मांगेगी, सीबीआई कड़ाई से आरोपियों से पूछताछ करेगी, पीड़िता के परिवार से भी पूछताछ करेगी सीबीआई, और केस की मुख्य गवाह यानी कि पीड़िता की मां का बयान होगा और पीड़िता की मां का मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया जाएगा। यह है एक सीक्रेट प्लान। लेकिन चूंकि यूपी पुलिस ने काफी किरकिरी कराई है, पुलिस ने कितनी लापरवाही की है, अब आप ये देखें। पीड़िता की 72 घंटे के अंदर मेडिकल जांच नहीं हुई, जांच में देरी से फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। पीड़िता के साथ रेप के 11 दिन बाद सैंपल लिए गए, जबकि ये कहा जाता है साइंटिफिकली कि 96 घंटे के तक ही फॉरेंसिक सबूत मिल सकते हैं। यूपी पुलिस ने आरोपियों की कस्टडी मांगी ही नहीं और बिना कस्टडी मांगे ही आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। हाथरस से इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा है और लखनऊ से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी। इन दोनों के पास ही चलते हैं। खुर्रम, सबसे पहले आपके पास आते हुए, पीड़ित का परिवार कब लखनऊ पहुंचा और कितने बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई शुरू होगी? देखिए, सुनवाई तो 2:15 पर शेड्यूल्ड है होना उसकी सुनवाई, लेकिन हम पीड़ित परिवार की बात करें, पीड़िता के परिवार की बात करें, तो उसको यह 1 बजे तक पहुंचने की उम्मीद है और यही वो गेट है बताया जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ से वो जाएंगे और ये हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच है जहाँ पे हेयरिंग होनी है और 1 बजे करीब उनको पहुंचने की संभावना है, यानी कि थोड़ी देर में पहुंच सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि आखिर कोर्ट करेगी कि आज किस बात पर सुनवाई करेगी, सुमोटो लिया है। कोर्ट सिर्फ इस बात पर अपने को फोकस कर रही है कि आखिर क्या वजह थी क्रिमेशन की जो आपको लास्ट आवर पर करना पड़े, आउट आवर पर किया बगैर कंसेंट के और बगैर प्रेजेंस के परिवार के आपने अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये सब तमाम बातें हैं, क्या कोर्ट का क्या रुख होता है, क्योंकि जो सुमोटो लिया था, जो ऑर्डर किया था 11 पन्ने का पहला, उसको बहुत सख्त लहजे में कहा था और ये कहा था कि कल गांधी जयंती है, 1 तारीख का ऑर्डर है, गांधी जयंती है और जब तक कि हम लास्ट आदमी तक को इंसाफ ना दिला पाए तब तक कि हमें नहीं समझना चाहिए कि इंसाफ हो पा रहा है। तो ये सब तमाम बातें हैं, आज सबको बुलाया गया है, चाहे वो DGP हो, चाहे ACS होम हो, चाहे DG लॉ ऑर्डर हो, DM हो, SP हाथरस हो, वो सब आएंगे, सब बात रखेंगे और पीड़ित का जो पक्ष परिवार है वो अपनी बात रखेगा कि आखिर उस रात को हुआ क्या था, क्या उनसे कंसेंट ली गई थी। एक बार राजीव के पास भी चलते हैं, चूंकि हाथरस से राजीव शर्मा लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन राजीव, आपको लगता नहीं सीबीआई जांच शुरू तो हो गई है लेकिन सीबीआई के सामने लूपहोल्स कई हैं? लूपहोल ये भी है कि फॉरेंसिक जो रिपोर्ट थी उसमें भी कई झोल है। इसके अलावा यूपी पुलिस ने इतना वक्त दिया कि चीजें मैनिपुलेट हो जाएं और सीबीआई के सामने जांच में चैलेंजेस बहुत हैं। राजीव, बहुत सारे चैलेंजेस राशिद, भूलघड़ी तो इस वक्त खामोश है क्योंकि परिवार इस वक्त पहुंच चुका है लखनऊ, लेकिन यहां पर सीबीआई की टीम है और फिलहाल मैं आपको अपडेट कर दूं कि सीबीआई की टीम अलीगढ़ में है, जहां पर वो JNU मेडिकल कॉलेज जो है जहां पर सबसे पहले पीड़िता की जांच हुई थी और उसके बाद उसको रेफर किया गया था, उसकी तमाम चोटों को देखते हुए वहां से वो तमाम साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। अब मैं ज्यादा इसके एक एक हिस्से में नहीं जा सकता क्योंकि मामला देश के तमाम लोगों के सामने एक तरीके से
खुला है इस वक्त। तीन तारीखें हैं जिसमें सीबीआई उलझेगी जरूर। पहली 14 तारीख जब ये तहरीर पहली दर्ज कराई गई थी लड़की के भाई की तरफ से, पीड़िता के भाई की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि मारपीट और जान से मारने की नियत से हमला किया गया और वो शख्स यहां से भाग गया। उसके बाद 19 तारीख आती है जब छेड़छाड़ की धारा उसमें ऐड हुई, और उसके बाद 22 आती है जब उसमें 376D भी बाद में ऐड की गई। सीबीआई जरूर इस सब को लेकर पशोपेश में होगी कि आखिर इस सब का एक तार्किक हल उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों नहीं निकाल पाई, ऐसा क्यों होता रहा। और ये जो जितने भी आरोपी हैं, जो बूलघड़ी गांव में ही तीन आरोपी एक घर में और एक आरोपी एक घर में, चार आरोपी कुल हैं, वो शायद इन्हीं सारे लूपहोल्स का फायदा उठाने की तैयारी में भी हैं। और जैसा उस लड़के राम एक लड़के के लेटर के बाद से बाहर भी आ गया है, उसने साफ साफ इनकार किया है कि मैं इस सब काम में संलिप्त नहीं था। तो सीबीआई को न केवल ये पता करना होगा राशिद कि यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ उसमें कौन कौन लोग थे, जिस दिन घटनाक्रम हुआ उसका एक वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस ने बनाया जिसमें तीन दरातियां और एक चप्पल उस जगह पर पड़ी हुई थी। राजीव बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और खुर्रम निजामी मुंबई से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन खुर्रम आपके पास 2:15 बजे भी लौट करके आएंगे, क्योंकि जो शेड्यूल्ड वक्त है सुनवाई का इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में, यह सुनवाई 2:15 बजे शुरू होगी।